माननीय चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी, श्री राजीव कुमार जी, माननीय चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा जी, श्री राजीव कुमार जी, सीईओ बिहार, हमारे चुनाव आयोग के सभी साथी जो दिल्ली से आए हैं और प्रेस के जो हमारे मित्र हैं पटना के, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग फिर मिल रहे हैं, पटना में मिले थे, दोबारा मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। इस साल कोरोना की अनसर्टिनिटी और डिवेस्टेशन ने सारा माहौल बदल दिया है, केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में। हम आज की डेट में नए शब्दावलियां पैदा हो गई हैं, न्यू नॉर्मल एक मानक बन गया है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल मीटिंग एक मानक बन गया है। ईसीआई ने एक टेस्ट केस के तौर पे पहले राज्यसभा की 18 सीटों के चुनाव कराए, मैं भलीभांति ये बात तब भी पता थी, आज भी पता है कि देर इज नो कंपैरिजन राज्यसभा के चुनाव और असेंबली के चुनाव के बीच, कि वहां वोटर्स बहुत लिमिटेड होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज डालता है। उसके बाद जो हमने बैटिंग शुरू की, तो सबसे पहले हम लोगों की जो बैठक थी कमीशन स्तर पे, हमारे अधिकारी तो बैठक करते रहते हैं, कुछ परेशानी नहीं, कुछ शायद चेयर स्टार्ट कर दो वापस। सबसे पहले हमारे अधिकारी तो बैठक करते रहते हैं, जो चुनाव आयोग ने अपने स्तर पे एक विस्तृत बैठक की, तो ये तय किया गया कि बिहार का चुनाव तो 29/11/2020 से पहले कराना ही है, और कोविड के मद्देनजर कमीशन ने सबसे पहले तो एक फैसला लिया कि जो अधिक से अधिक पोलिंग स्टेशन में, हम लोग पहले 1500 का हमारा पोलिंग बूथ था, उसको 1000 कर दिया। आप इस बात का आपके मैं सामने निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इस फैसले से, इस निर्णय से ही पोलिंग स्टेशंस का जो नंबर था, जो संख्या थी, वो 65,333 से 2015 के असेंबली चुनाव में जो संख्या थी उससे बढ़ के हो गई 1,06,526 2020 में। इस इंक्रीज से ही इतना ज्यादा लॉजिस्टिक और मैन पावर अरेंजमेंट करना पड़ा, उसका मैं अनुमान आप पे ही छोड़ता हूं। 2015 में जब चुनाव कराया था असेंबली इलेक्शन, तो 6.7 करोड़ वोटर्स थे। अब जबकि हम चुनाव की तैयारी में बिल्कुल संलग्न हैं, तो 7.29 करोड़ वोटर्स हैं। जो पुरुष वोटर हैं वो 2015 में 3.57 करोड़ थे, जो कि अब 3.57 करोड़ थे, जो कि अब 3.85 करोड़ हो गए हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के, देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,